हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। क्योंकि नवरात्रि यहाँ से अभी स्टार्ट हो चुकी है। इसी बीच मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कोलकाता में बनाया गया जो मलेशिया ट्विन टावर है, उसका यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। जो आप जो पीछे देख सकते हो मेरे, ये मलेशिया का जो ट्विन टावर कहा जाता है उसकी वो कॉपी बनाई गई है जो की कोलकाता में बनाया है। लास्ट टाइम आपको याद होगा 2021 में यहाँ पर बुर्ज खलीफा बनाया गया था। आप देख सकते हो ये सीन, तो पीछे बुर्ज खलीफा का है जो लास्ट टाइम 2021 में बनाया था कोलकाता में, जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। अगर से आप बुर्ज खलीफा देखना जाना चाहते थे दुबई, तो आपने अगर से आप कोलकाता गए होंगे तो वहां पर आपने जरूर देखे होंगे। उसे नहीं देखे तो इस बार भी आपको बुर्ज खलीफा भी देखने को मिलेगा, और वो कहाँ पर बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी जो यहाँ पर कोलकाता में जो मलेशिया का ट्विन टावर बना हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल उसी की तरीके से यहाँ पर दो टावर्स यहाँ पर बनाए गए हुए। दो टावर्स का यहाँ पर जो बेसअप रखा गया है वो तो पूरी तरीके से लकड़ी का रखा गया, लेकिन उस पर जो लाइटिंग सी की गई है, जो उसके ऊपर कांच के जो फ्लैग्स लगाए गए हुए, वो आप देख सकते हो वो कहीं ना कहीं ट्विन टावर से मिलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और ये कहा जाता है बहुत ही यहाँ पर लंबे समय से इसके लिए यहाँ पर जो मतलब तैयारी की गई थी पहले से, जिसके बाद आज ये मतलब यहाँ पर ओपन कर दिया गया है। पब्लिक यहाँ पर जा सकती है, विजिट कर सकती है। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु कोलकाता के ही नहीं बाहर के अदर सिटी के भी यहाँ पर ये सीन को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अगर से आप यहाँ कोलकाता के साइड किसी शहर से हो तो आप जरूर एक बार विजिट कीजिए इस ट्विन टावर को देखने के लिए। तो यही कुछ था आज की वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको दिखाएंगे अदर्स जो बुर्ज खलीफा बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है। बुर्ज खलीफा भी इस बार बनाया गया है किसी दूसरे शहर में। जी हाँ, लास्ट टाइम कोलकाता में ही बनाया गया था, लेकिन इस बार दूसरे शहर में बनाया गया। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि बुर्ज खलीफा कहाँ बनाया गया हो। ऐसी और जो पंडाल से लेकर जो मोस्ट प्लेसेस दुर्गा पूजा के जो वायरल हुए है, जो बने हुए, उसकी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय माता दी दोस्तों।